Sir, tomorrow is Women's Day, but you're in India. We all know about the documentary India's Daughter being banned. What are your takes on it? I just want to know what are your views, because do you think it should be like available for the people to watch it, because it's been banned on YouTube also, and like BBC has been. I find it impossible to understand why it has been banned. I have not seen the film, but I happen to be aware of its contents. I heard the interview with the lady who made the film, who herself is a rape victim and has made this film. I dare say she understands the pain of a rape victim. And I think this movie should be seen. It is completely beyond comprehension why it has been banned, because it shows up the mindset of a person like this, and it's very important that we understand it. Because a lot of us suffer from the same malady. A lot of old uncles and old people make these kind of remarks without being contradicted or without being castigated. The kind of remarks that this person has made, the person who's the convicted rapist. He's a person who has nothing to lose, so he feels he can have his say. And what he has said is really, really revealing about a majority of the male mindset in our country. I think this film, this ban should be revoked, and I think this film should be seen in India. I've seen the film, and it's an eye-opener. मैं मेरे भाई साहब जो हैं उनसे उस चीज़ को एंडोर्स करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का प्रजातंत्र, हिंदुस्तान की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब बातें पेपर के ऊपर हैं. जब तक हमारा प्रजातंत्र अपने इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता. हर एक व्यक्ति को ये फिल्म हमारे बच्चों को स्कूल में दिखाई जानी चाहिए. जे एक पुरुष चित्त ने जिस तरह से उस बच्ची को डिस्क्राइब किया है, बाय द वे मैं 2013 में मैंने, मुझे तो कभी पुरस्कार ऐसे मिले नहीं ऐसा कोई, लेकिन एक मौका ऐसा आ गया था कि मुझे अवार्ड मिला था, तो मैंने उसी बच्ची को समर्पित कर दिया था. और मैंने कहा था कि ये स्पीच तुम मेरी काट लोगे. मैंने निर्भया को समर्पित किया था, मेरा बेस्ट एक्टर जो भी अवार्ड मिला था मुझे. तो ये पुरुषचित्र जो है, भारतीय पुरुषचित्र जो है, वो भारतीय जो समाज है, जहां हमारी बच्चियों को ये सिखाया जा रहा है कि डोंट गेट रेप्ड, लेकिन हम हमारे पुरुष बच्चों को ये नहीं सिखाते कि डोंट रेप. ये जो मेंटालिटी है, और ये सिर्फ भारत समाज में, भारत 16 देवियों के रूप में हवन करते हुए देवियों का पूजा करता है. आपने देखा होगा, अगर आप लोग हिंदू हो तो बेटा 16 देवियां और नवग्रह रखे जाते हैं, 16 देवियों की पूजा करता है, लेकिन अपने इमेजिनेशन में, अपनी माइथोलॉजी में. लेकिन जब यथार्थ आता है तो हमारे यहाँ हर बच्ची, हर बहू, हर बेटी, हर बहन प्रताड़ित की जाती है, दूषित की जाती है और अपमानित की जाती है समाज के अंदर, जो अपने आप को कहता है कि हम 4000 साल पुराना समाज हैं, हमारी संस्कृति बड़ी महान है. ऐसी संस्कृति को चूल्हे में डाल देना चाहिए जो स्त्री को ऐसा निरादर करने के लिए तैयार. ये स्कूल, कॉलेज, हर जगह ये पिक्चर दिखाई जानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को समझ में आए कि वो क्या मुकेश सिंह नाम है, कैसे पास कर रहा है. मैं सिर्फ उससे इतना पूछना चाहता हूं, उसने कहा बच्ची जो शाम को जा रही है उसके साथ वो क्या उम्मीद करती है, तो मैंने कहा कि तूने जो कहा है तो क्या तुझे कैस्ट्रेट कर दें? काश ये सऊदी अरेबिया होता तो ऐसे बयान भी नहीं आ पाते कभी. जमाना बदल गया है, और ये भी उनको समझाए कि स्त्री का अपमान अभी नहीं हो रहा है दोस्तों, ये 4000 साल से स्त्री इसी तरह प्रताड़ित और दूषित और अपमानित की जाती है. मैं तो मानता हूं कि दिखानी चाहिए, क्योंकि हम कम से कम विचारधारा तो नहीं कह सकते, लेकिन इस किस्म के जो बंदे होते हैं उसका माइंडसेट तो हम समझे. अगर नथुराम गोडसे को आप अदालत में खड़ा करके उनका बयान सुन सकते, उनका बयान ले सकते, उनका बयान आप ये भी कैसे प्रकाशित कर सकते, तो ऐसे लोगों का भी बयान आना चाहिए, देखना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि ऐसे भी लोग होते हैं. तो ये इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है इसके अंदर.